Hello everyone, welcome to Mala Known Kaun Academy. My name is Ehsan Mala. Today we are going to discuss about very most important topic, that is charge distribution. Dear student, aaj hum lecture number 5 mein discuss karna hai charge distribution. Actually charge distribution hota kya hai, jab hum kisi body ko charge kar deta hai aur ye charge is body mein phail jata hai, is body mein ये चार्ज फैल जाता है, इसी को कहा जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरह से हो सकता है? एक्चुअली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। जी सपोज मान लिया हमने यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज रखा, यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्ज रखा, किसी सिस्टम में हमने Q1 और Q2 चार्ज अलग अलग रखा। डिस्क्रीट का मतलब होते हैं इंडिविजुअल, और ये चार्ज एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसी लाइन के थ्रू। तो डिस्क्रीट का मतलब होते हैं अलग अलग चार्ज। तो इसका मतलब क्या होता है? ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्ज। अगर किसी सिस्टम में इंडिविजुअल चार्ज होगा, अलग अलग चार्ज होगा, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको कहा जाएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है हमें एंड अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। जब कोई भी चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्मली किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी को कहा जाएगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे हम कहा जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज के अंदर बहुत क्लोज होगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्लोज। अगर दो चार्ज को हम बहुत क्लोज रखेंगे तो हमें बिल्कुल इन दोनों के बीच में गैप नजर नहीं आना चाहिए, तो हमें ऐसा लग रहा है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा देंगे। सपोज मान लिया यहाँ पे एक बहुत सारे व्हीकल्स है, ट्रैफिक जाम हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे कार है। एक्चुअली ये सारे कार क्या है, डिस्क्रीट है। देखो इंडिविजुअल हम या अगर सामने से देखेगा तो ये सारे कार हमें गिन सकते हैं, हम इन सारे कार को हम गिन सकते हैं, अगर क्योंकि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार है, हम गिन सकते हैं। ऐसे बहुत कार होता है, ऐसे बहुत ट्रैफिक में बहुत सारे फंसा हुआ है, तो हम सामने से देखेंगे तो ये सारे कार हम गिन सकते हैं कि ये सारे इंडिविजुअल, यहाँ इन दोनों में गैप नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, थोड़ा दूर से देखेंगे, तो हमें ये सारे ट्रैफिक यहाँ पे जितना भी कार है, इन सारे कार को हम गिन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे ये सारे कार हमें ऐसा लगेगा यूनिफॉर्म लगेगा, यहाँ बहुत सारे कार है, हमें ऐसा लगेगा एक और एक कार दूसरे की कार के बीच में कोई गैप नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाएगा तो हमें यहाँ से कोई बंदा इसको गिन नहीं पाएगा। सामने सब आसान तरीके से आप लोग इसको काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप दूर से इसको काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारे कार एक जैसा लगेगा, यूनिफॉर्म लगेगा, कंटिन्यूअस लगेगा। इसी तरीके से चार्ज में भी होता है। अगर हम यहाँ पे दो चार्ज, बहुत सारे चार्ज है, तो ये यहाँ पे इस दो चार्ज के बीच में गैप है, ये डिस्क्रीट है। एक्चुअली चार्ज क्या होता है, डिस्क्रीट नेचर होता है। लेकिन आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, अगर हम थोड़ा दूर से देखेंगे तो यहां से हमें कैसा लगेगा, ये सारे चार्ज क्या है, कंटिन्यूअस है, ऐसा लगेगा। अकॉर्डिंग टू कंटोजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलते हैं हमें, चार्ज हमेशा डिस्क्रीट नेचर होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअल चार्ज, अलग अलग, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। बट इट इज कैन रिसीव फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर हम यहां से माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे देखेंगे तो डिस्क्रीट नेचर लॉस्ट, इसका डिस्क्रीट नेचर हमें नजर नहीं आएगा, और ये हमें क्या लगेगा, ये चार्ज ऐसा लगेगा कि अपीयर कंटिन्यूअस। हमें यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ पे चार्ज अलग, थोड़ा चार्ज के बीच में गैप है, लेकिन जब हम थोड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें डिस्क्रीट नजर नहीं आएगा, चार्ज क्या आएगा, कंटिन्यूअस नजर आएगा। एक्चुअली कंटिन्यूअस का मतलब होता है दो चार्ज के बीच में
दो चार्ज के बीच में ये बहुत कम होता है, दो चार्ज के बीच में ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सपोज मान लिया बहुत कम होता है दो चार्ज के बीच में गैप। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। तो एक्चुअली जो कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज जो होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, या किसी लाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, या किसी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या किसी वॉल्यूम पे चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक्चुअली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी स्ट्रेट स्ट्रेट वायर को हम चार्ज करते हैं, तो स्ट्रेट वायर पे जब चार्ज फैल जाता है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। या किसी एक सर्कुलर रिंग को हम चार्ज कर देते हैं तो उसकी सरफेस पे ये चार्ज फैल जाता है, इसको ऐसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जो हम लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा से। लेमडा इक्वल टू बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ। इस लेंथ पे कितना चार्ज है इसी को बोला जाता है हम चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसका ऐसा यूनिट होता है, चार्ज के ऐसा यूनिट कॉलम्स होता है और लेंथ के हमें मीटर होता है। तो ऐसा यूनिट हो जाए कॉलम पर मीटर हो जाएगा, किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट हो जाएगा कॉलम पर मीटर। सेकंड है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन सरफेस, जब चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी सरफेस पे जब चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, खासकर 2D शेप में, 2D जब किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम कहा जाता है, चाहे पेपर हो, पेपर शीट हो, चाहे हमारे पास सिलेंडर हो, या स्फीयर की सरफेस हो, या रेक्टेंगल हो, जो भी आपका हो, जब किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको बोल देते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। चार्ज अपॉन एरिया, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो ये एक क्या है हमारे पास, एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हमें इसका डेंसिटी निकालना है। तो सिग्मा किसके बराबर? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस एरिया पे कितना चार्ज है इसको बोलते हैं हम चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट है, चार्ज के ऐसा यूनिट क्या होता है? कॉलम्स होता है। एरिया की क्या आता है? मीटर स्क्वेयर। तो क्या आएगा? कॉलम पर मीटर स्क्वेयर आएगा इसका ऐसा यूनिट। अब हमारा थर्ड हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जब हम को चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, किसी वॉल्यूम पे, स्फीयर की या सिलेंडर की अगर वॉल्यूम पे, तीसरा है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, किसी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे यहाँ पे एक स्फीयर पे, देखो यहाँ पे एक स्फीयर पे वॉल्यूम, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसे बोलेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम डिनोट करते हैं रो से, रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस पर यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम इसका मतलब होता है रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वैल्यूम। पर यूनिट वैल्यूम पे चार्ज कितना है इसको बोलते हैं हम वैल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है, चार्ज की कॉलम है, वैल्यूम की हमें है मीटर पर क्यूब, क्योंकि वैल्यूम की मीटर क्यूब होता है। तो इसका ऐसा यूनिट हो जा ऐसा यूनिट हो जाएगा यूनिट चार्ज डेंसिटी के, यहाँ पे वैल्यूम चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा कॉलम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? कॉलम पर मीटर क्यूब। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। हम तीनों डिस्ट्रीब्यूशन समझा देंगे आपको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब लाइन, किसी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो
यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अगर किसी वैल्यूम पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है।